मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंटरव्यू कॉन्वर्सेशंस, किस तरीके से एक इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और किस तरीके से वो खत्म होती है। मैं यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन आपके सामने लेकर आई हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला जो मैं बताने वाली हूँ, जैसे कैंडिडेट आया, कैंडिडेट बोलेगा मे आई कम इन सर, ऑब्वियसली एक ऐसा सिचुएशन अपने दिमाग में बनाकर रखिए जहां आपको समझ में आ पाएगा कि अगर आप गेट पे खड़े हुए हैं और अगर एक इंटरव्यूअर आपके सामने है तो आप किस तरीके से उससे बात करेंगे और कैसे वो चीज सामने आएगी आपके। सो सबसे पहले आपने कहा है मे आई कम इन सर, तो जो व्यक्ति जो आपके सामने बैठे हुए हैं यानी द इंटरव्यूअर सेज यस प्लीज कम इन, द कैंडिडेट सेज थैंक यू सर, द कैंडिडेट देन सेज गुड मॉर्निंग सर, द सर ऑल्सो रिप्लाइज इन इनवर्टेड, सो दैट इज गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। मेक श्योर कि कभी भी जब इंटरव्यू में बैठे हुए हो, जब तक उसने आपको बैठने के लिए नहीं बोला है तब तक आप नहीं बैठोगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टैंडिंग जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ योर चेयर और आप सामने वाले से कहो कि सर प्लीज मैं आए, या वो खुद ही आपसे बोलेंगे कि प्लीज हैव अ सीट। नेक्स्ट इज कैंडिडेट ने बैठते ही बोला है थैंक यू, उसके बाद इज सर ने पूछा है हाउ आर यू डूइंग टूडे, सो आप यहाँ पर दुखड़े नहीं रोएंगे अपने सर बहुत लेट हो गया आने में, वो ऑटो वाले ने हमसे पैसा बहुत ले लिया, ये सारी बातें उसके सामने नहीं करनी है। आप यहाँ पर सीधे सिंपल शब्दों में जवाब देंगे वेरी फाइन सर थैंक यू, क्लियर। सो नेक्स्ट इज सो सर ने यहाँ पे पूछा है सो अनुभव टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो अनुभव ने यहाँ पर अपने बारे में कुछ अनुभव बताया है। सो क्या बताया है, जैसे द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी नोन दैट द कैंडिडेट नेम इज अनुभव अनुभव कनौआ एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, आई हैव कंप्लीटेड माय बीए फ्रॉम जेजेजे यूनिवर्सिटी, नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम एक्सीलेंस कॉलेज अलॉन्ग विद दिस डिग्री, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सी सी प्लस प्लस नेट एसक्यूएल जावा। यानी आपने यहाँ पर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन का पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दैट पैटर्न। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अगर इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कोई पूछता है टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, तो ये मेरे ख्याल से आप सभी ने किया हुआ है एंड द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो, ये चीज मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ। मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर गुड इंट्रोडक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन आप इंट्रोडक्शन के बीच में रुके नहीं, क्योंकि ये पहली बॉल है जिसपे आपको सीधे छक्का मारना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज ओके, सो सर ने पूछा है गुड सो एज यू आर अ फ्रेशर, सो कैंडिडेट कहता है नो एक्चुअली आई वर्क विद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आपने जिस भी कंपनी के साथ आपका पुराना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, बट आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आपने जहां पे भी काम किया है आप यहाँ पर बता सकते हैं और आप यहाँ कह सकते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं अपनी जॉब स्विच करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज सर टॉक व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, सर ने आपसे पूछा है कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, या अगला सवाल जो इसी तरीके का सवाल होता है वो सामने वाला आपसे पूछ सकता है व्हाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, क्लियर। सो यहाँ पर आपने बोल दिया आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई करंट जॉब, आपने ये बता दिया कि भाई मैं अपनी पुरानी जॉब से काफी संतुष्ट हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग फॉर मोर प्रोडक्टिव रोल दैट सूट्स माई स्किल्स, मैं ऐसा कोई रोल देखना चाह रहा हूँ जो मेरी स्किल्स के साथ बहुत परफेक्ट बैठता हो और मुझे ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इज आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर, आपने बता दिया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे बहुत जल्दी चीजें सीखने में आ जाती हैं, मैं डिम आदमी नहीं हूँ, मेरे को आप जितना जल्दी बोलेंगे मैं उतना जल्दी चीजों को सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं उन चीजों के प्रति कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं क्विक लर्नर हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अपन ने बोला कि मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहाँ चैलेंजेस के रिक्वायरमेंट हो एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे मैं और एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकूँ, क्लियर एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट इज सर ने आपसे पूछा है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, सो आपने लिखा है माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लव इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड हैव पेशेंस टू लिसन टू देम, आपने यहाँ पर दो क्वालिटीज अपनी जाने अनजाने में सामने वाले को बता दी, सबसे पहले आपने बता दिया कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ और दूसरा आपने कहीं ना कहीं सामने वाले को बता दिया कि आप एक अच्छे लिसनर भी हैं, ये क्वालिटी हर व्यक्ति में नहीं होती है, ठीक है। सो इसके बाद मेनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प एंड टेक डिसीजन एज दे बिलीव दैट आई कैन एनालाइज थिंग्स बेटर, आपने यहाँ पर यह भी बता दिया कि मैं चीजों का एनालिसिस अच्छा करता हूँ इसीलिए लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सकूँ, क्लियर। इसके बाद इस आपसे जो सामने वाला कैंडिडेट है उसने पूछा है व्हाट इज योर वीकनेस, तो आपने यहाँ पर बताया माय बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई बिलीव ऑन अदर्स इजीली, दिस इफेक्ट्स माय वर्क बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, हमेशा हमेशा वीकनेस में एक चीज का ध्यान रखना कि वीकनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप उस वीकनेस को ओवरकम कैसे कर रहे हैं। अगर आपकी वीकनेस ये कि आप अच्छा झाड़ू नहीं लगा सकते तो आप ये कहेंगे कि मैं एक अच्छा झाड़ू लगाना सीख लूंगा या मैं उस पर काम करना चाह रहा हूं, मैं आजकल सड़कों पर झाड़ू लगाने का ही काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसी स्किल को इम्प्रूव करना है, आई मेरी बात समझ में। सो यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर वीकनेस, सो
आपने यहाँ पर बता दिया, उसके बाद आपने लिखा है आई एम वर्किंग ऑन इट एंड नाउ आई लिसन टू अदर्स सेइंग एंड देन आई बिलीव ऑन माय गट अकॉर्डिंगली आई टेक डिसीजन. सो मैं डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा अपनी गट पे विश्वास रखता हूँ. दूसरा, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि सामने वाला किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, ये सारी चीज चेक करने के बाद ही मैं किसी पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लियर? सो नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस. जैसा कि ये क्वेश्चन उन्होंने एक ही मतलब थोड़े से वर्ड्स अलग करके पहले भी पूछा हुआ है, तो आपने यहाँ पर ये बता दिया दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ द कंपनी. जो भी यहाँ पे टीम लीडर्स हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. आई रेड ऑन द वेबसाइट. हमेशा ध्यान रखना, जिस भी कंपनी के लिए जाओ उस कंपनी में उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन गूगल से जरूर निकाल कर जाना कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उसका एनुअल टर्नओवर कई बार आपको मेंशनड होगा कई बार नहीं होगा, तो ये भी देखकर जाना कितने लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये एक स्टार्टअप है, कब से शुरू हुई है, उस कंपनी का मोटो क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है. क्लियर? सो आप यहाँ कहेंगे आई रेड ऑन द वेबसाइट द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस इन न्यू कंट्रीज. मैंने ऐसा पढ़ा है कि अभी अभी आप नए कंट्रीज में और ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं. सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एज वेल एज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. मैं चाहता हूं कि आपकी जो नई लर्निंग्स हैं इसमें मैं कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट भी करूं एंड एट द सेम टाइम आपको हेल्प भी करूं. क्लियर? उसके बाद इस आपसे सर ने पूछा है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर. अगर आप मेरे क्वेश्चन की सीरीज के साथ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले की दो ही वीडियोज में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी बेसिक HR क्वेश्चन के नाम से. सो आपसे सर ने पूछा है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर. सो द कैंडिडेट विल से वर्किंग अंडर प्रेशर इज नथिंग बट अ चैलेंज इन माई व्यू. और मैं यहाँ पे चैलेंजेस लेने ही आया हूँ. चैलेंजेस मतलब ऐसा नहीं दो नींबू चुका दिए ये चैलेंज है, ये चैलेंज की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो इस चैलेंज की बात कर रहे हैं कि काम में किस तरीके से आप चैलेंज को फोकस कर सकते हो, ना कि चार पांच भेड़िए ला के दे दिए अब आपके सामने चैलेंज है कि इनको सॉफ्टवेयर सिखाना है, ये चैलेंज नहीं है. ठीक है ना, चैलेंज ये है कि आपके काम में जो चैलेंज आने वाला है इसको आप कैसे हैंडल करने वाले हो, ये एक प्रेशर ही है. यहाँ पे आपको डेडलाइन के अंडर काम करके देना पड़ता है यहाँ पे. ठीक, सो आप कहेंगे वर्किंग अंडर प्रेशर इज नथिंग बट अ चैलेंज इन माय व्यू. इफ वी आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स इट इज इजी टू वर्क अंडर प्रेशर. अगर मैं नई चीजों को सीखना चाहता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं अंडर प्रेशर काम करना चाहूंगा. आई हैव ऑलवेज सेट न्यू गोल्स इन माय लाइफ एंड एक्सेप्ट वर्क विद लव. मैंने काम को प्यार के जैसे एक्सेप्ट किया है अपने जीवन में. जितना मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ उतना ही अपने काम से प्यार करता हूँ. ठीक है, सो उसके बाद इफ वी लव द वर्क वी वोंट फील द प्रेशर. तो आपने ये भी कह दिया कि भाई क्योंकि जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बाजू में खड़ी रहती है तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है तो मुझे प्रेशर फील नहीं होता. ऐसे ही मैं काम को इतना प्यार करता हूँ कि मुझे काम से प्रेशर फील नहीं होता. वो चैलेंज ही तो एक्सेप्ट करने में यहाँ पर आया हूँ. क्लियर? सो उसके बाद सर ने पूछा हाउ डू यू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन. सर ने आपसे यहाँ पर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा हुआ है कि आप इंपॉर्टेंट डिसीजन किस तरीके से बनाते हैं. तो कैंडिडेट ने कहा है कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दैट आर नेसेसरी टू टेक डिसीजंस दैट विल हेल्प यू टू फिगर आउट व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी अकल दौड़ाता हूँ और सारी नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ. उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो कौन से डायरेक्शन में मुझे डिसीजन की तरफ लेकर जा रही है और उसके बाद मैं उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, सो इस तरीके के फॉर्मेटेड आंसर्स आपको हमेशा देने पड़ेंगे और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने आंसर्स को थोड़ा सा फॉर्म करके सामने वाले के सामने रखो. ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ने आपसे पूछा है डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी. अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यूअर से. तो यहाँ कैंडिडेट बोलता है व्हाट इज द कंपनी कल्चर लाइक. सामने वाले ने पूछ मतलब एज एन इंटरव्यू ही अगर मैं जा रही हूँ तो मैं उनसे पूछूंगी कि भाई आपका यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है. तो सर कहते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम. यहाँ पे सामने वाला जो भी आपको जवाब देगा कि हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगवाते हैं, उनको बहुत ऐसे प्यार से रखते हैं, सैलरी भी हम टाइम पे देते हैं, ये सब बातें उन्होंने आपको बता दी है. उसके बाद यहाँ पे सर कहेंगे ओके थैंक यू फॉर योर टाइम अनुभव, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. अब सामने वाले ने आपको अब वो थोड़ा सा एनालिसिस करेगा आपके बारे में, वो तुरंत जवाब नहीं देगा आपको. तो वो अब थोड़ा सा एनालाइज करेगा कि क्या आप इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो या नहीं हो. पर इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट होने के लिए आपके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए, दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मेक श्योर दैट यू ग्रो एंड इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स टाइम एंड अगेन. ऑलराइट, सो कैंडिडेट कहता है थैंक यू सर, हैव अ गुड डे. और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यूअर है उसने भी आपको कहा है यू टू हैव अ गुड डे. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. दिस वॉज एन अमेजिंग इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम
where you come in the meeting, wherein you start from coming in, and then when you leave the meeting. तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन अवेलेबल है आपके सामने. मेक श्योर दैट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच.